स्वामी ने कहा था कि इस वृक्ष की छांव में हमारा मन शांत होगा, किंतु कार्तिकेय को भूलना संभव कहाँ है? वो हमारा पुत्र है, उसे जन्म दिया है हमने। आप यहां होते स्वामी तो हम अपनी व्याकुलता आपसे बांट लेते, किंतु आप भी नहीं हैं। हम करें तो क्या करें? प्रणाम माते। माते, हम अपनी समस्या के समाधान हेतु आपके पास आए हैं। कहिए ऋषि भृगु, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। माते, असुरों और देवताओं का युद्ध सदैव चलता रहेगा। महादेव, भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव, इनके होते हुए हमें सुरक्षा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु माते, आने वाले समय में अधर्म से युद्ध एक अन्य स्तर पर आरंभ करना होगा और उसके लिए धर्म का प्रचार आवश्यक है। धर्म को जीवित रखने हेतु उसे मनुष्यों तक पहुंचाना अनिवार्य है। माते, आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? माते, ये कार्य शिव और शक्ति की पुत्री ही कर सकती है। पुत्री? इसीलिए स्वामी ने हमसे कहा था कि इस वृक्ष के नीचे बैठने से हमारे मन को शांति मिलेगी, हमारे दुख व एकाकीपन को दूर करने का उपाय मिलेगा। हाँ माते, इस संसार में पुत्रियों की भूमिका पुत्रों की भूमिका से कई अधिक महत्वपूर्ण है। पुत्री जिस घर में जन्म लेती है उस घर की प्रसन्नता का कारण बन जाती है, उस घर के भाग खुलते हैं। विवाह के पश्चात जननी बनकर दूसरे घर में जाती है तो उस घर की प्रसन्नता का कारण बन जाती है, उस घर के भी भाग खोल देती है। और कन्यादान तो कितने पुण्य का कार्य है, जिसे भी ये सौभाग्य प्राप्त हो उसे अवश्य करना चाहिए। और माते, कदाचित आपको स्मरण ना हो परंतु मुझे तो है। आप अपनी माता के साथ मेरे आश्रम में निवास करने हेतु आई थी। आपके पिताजी कई वर्षों तक वहां नहीं थे, आपकी माता को केवल आपका ही आसरा था, तभी तो इतने लंबे समय तक आपके पिताजी महाराज हिमावन की अनुपस्थिति को वो सहन कर सके। माते, आप उनकी शक्ति थी, आपके कारण उन्हें अपने एकाकीपन की अनुभूति ही नहीं हुई। माते, दान का संकल्प लेकर मिट्टी की मूर्ति बनाई है, ये कल्पवृक्ष उस मूर्ति में प्राण फूंक देगा। स्वामी, आपकी अनुपस्थिति में हम एक पुत्री को जन्म देने जा रहे हैं, अनुमति दीजिए। मैं अनुमति देता हूं पार्वती, हमारी पुत्री का जन्म उस महान उद्देश्य के लिए होगा जिसमें जन कल्याण निहित है। हमारी पुत्री धर्म की स्थापना करेगी, धर्म का प्रचार करेगी,
मुझे प्रसन्नता है कि तुमने ये निर्णय लिया। वृक्ष, हमारी कल्पना को वास्तविकता में परिवर्तित कर दीजिए, प्राण भर दीजिए इसमें। आज से हम तुम्हें अशोक सुंदरी कहकर बुलाएंगे। तुमने एक ही क्षण में हमारे सारे दुख दूर कर दिए, सारा एकाकीपन दूर कर दिया।